अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार, आज मैं आप लोगों को ना इन बजीज के बारे में बताता हूँ कि इनकी आप पैर कैसे लगवाते हैं। आपने बहुत भाइयों ने कमेंट किया, यार हमारे बजीज पैर नहीं लगा रहे, ये मसला है। तो मैं आपको आज चार टिप्स दूंगा इसके बारे में। तो आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहली टिप है ना, उसमें ये होनी चाहिए आपको मेल और फीमेल में पहचान होनी चाहिए। अब वो देखें, ये जो येलो कलर के ऊपर है ना घर, किसकी चूंच पर कोई कलर नहीं, और इसके अंदर नाक देखेंगे ना सफ़ेद होएगी, वो फीमेल होती है। अब ये देखें, इसकी जो ग्रीन है ना नीचे फेर रहा, ये नीली है इसकी चूंच, तो ये क्या होएगा? मेल होएगा। पहली पहचान ये होगी, सबसे मेन बात ये होती है। या दूसरी टिप आपकी होनी चाहिए कि आपने मटकी लगा देनी है। मटकी आप दो लगा दें या एक लगा दें, अगर एक ही जोड़ा है। अब ये एक मटकी हमने लगाई और ये देखें कितनी बड़ी है, इतनी है, ये भी छोटी है इनके लिए, इसे बड़ी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यार, एक तो आपको ऊपर ही ढक्कन भी ना चाहिए। फिर यार जो तीसरी चीज़ है ना, इनकी डाइट का, इनको डाइट अच्छा सा अच्छा दाना दें, पालक सब्जियां वगैरह दें और पानी दें, और आजकल का मौसम ख़राब चल रहा है तो इनके अंदर दवाइयाँ भी दें। फिर यार जो चौथी टिप है ना, आपने इनको डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे आप इनका पिंजरा, आप लोग जिन्होंने घर के अंदर रखा, हमारा तो बड़ा पिंजरा हमने बाहर रखा है। कोई कोई लोगों का पिंजरा होता है काफ़ी छोटा, तो वो कभी पिंजरे को कहीं पर रख रहे होते हैं, कभी कहीं पर रख रहे होते हैं, ऐसे आपके बजी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जिससे वो अंडे बच्चे नहीं देते। अब जो मैंने आपको बताया ना ऊपर ढक्कन देने का, ये बहुत मेजर पॉइंट होता है। अगर तो आपकी तोती आधी हो गई है ढक्कन के बगैर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तोते लाए हैं तो लाजमी ऊपर ढक्कन दें, वरना तोती अंदर जाने से डरती है। अब मैंने ढक्कन ही दिया, ऐसे तो नहीं जा रही थी, अब आपने वीडियो के शुरू में देखा कि जाती इस घर के अंदर बैठ गई है। फिर यार ये जो तुम्हारे वाले तोते हैं ना, ये तो एग्जीब्यूशन है, ये तकरीबन आपको 2500 का जोड़ा मिल जाता है, और जो सादे होते हैं वो 900-800 में मिल जाता है आपको। बाकी यार ये टिप्स हैं, अगर तो आप इन पर अमल करेंगे इंशाल्लाह आपके तोते जल्द से जल्द बच्चे देंगे। आपने इनकी डाइट का ख्याल रखना है, इनकी तबीयत का, और इनको सही ख्याल रखना है इनका, ये काफ़ी नाजुक चीज़ होती है। आप जितना अच्छा ध्यान रखेंगे उतनी अच्छी प्रोग्रेस देंगे। अभी जो मेल है ना, ये ब्रीड करने की कोशिश कर रहा है, फीमेल नहीं अभी कर रही, तो अगर जैसे ही ब्रीडिंग करते हैं मैं आपको ब्रीडिंग भी दिखाता हूँ सबूत के साथ, के देखें ये तोते बिल्कुल खुश हैं और इनको अच्छी इन्वायरमेंट में रखे तो ये कितने ज़्यादा सही दिख रहे हैं। तो चले ठीक है यार, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देख क्या करें। आपको अगले व्लॉग में मिलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।